खाद ना मिलने की समस्या को लेकर किसानों की मदद को आगे आए इमरान चौधरी। समाज सेवक चौधरी इमरान पुत्र पूर्व विधायक सौलत अली किसानों की खाद की समस्याओं को लेकर पीसीएफ गोदाम पर पहुंचे। यहां समाज सेवक चौधरी इमरान ने पीएफ के गोदाम अधिकारियों से बात की। किसानों को समय से खाद नहीं मिल रहा है, जिससे धान की खेती खराब होने का डर है, जबकि मौलागढ़ पीसीएफ गोदाम खाद से भरा पड़ा है। यदि किसानों को समय से खाद नहीं दिया गया तो इसकी शिकायत आला अधिकारियों से करेंगे। गुरुवार को भी सैकड़ों की तादाद में किसान यूरिया खाद लेने पहुंचे थे, लेकिन ऑफिस पर ताला लटका हुआ था, जिससे किसानों को निराश होकर पीसीएफ गोदाम से वापस लौटना पड़ा। समाज सेवक चौधरी इमरान ने सोशल डिस्टेंसिंग पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि यहां खाद न मिलने की वजह से सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। चौधरी इमरान ने किसानों से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर खाद लेने की अपील की है। यहाँ कब से खड़े हैं? एक डेढ़ घंटा हो गया। कल आए थे आप? नहीं, कल नहीं आए थे। अब क्या परेशानी है? अब खाद की परेशानी है, खाद की नहीं आए। कितने कट्टा मिले मालूम आपको? कट्टा कितने का? दो कट्टे दे रहे हैं। 1070 का दे रहे हैं। 270 के दे रहे हैं ये। 270 का। कितनी पब्लिक होगी, कितनी भीड़ होगी यहाँ पर? लगभग भीड़ तो जो है करीब 300 आदमी होगा यहाँ पर। 350 आदमी होगा। 350 आदमी है। सर क्या नाम है आपका? फयाज, मोहम्मद फयाज। कहाँ के निवासी हैं? खानपुर लक्की। अच्छा, कब से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर? कम से कम हो गए 7-8 दिन। कौन सा गोदाम है ये? ये दलपतपुर का गोदाम है। दलपतपुर। कितनी ज़मीन आपके पास? मेरे करीब है 10 बीघे ज़मीन बटाई उटाई थी। कितने कट्टे मिले? 2 मिले हैं। अच्छा, क्यों परेशानी क्यों आ रही है ऐसी, क्या बात है? परेशानी इनकी वजह से आ रही है, मारने में और खाताने में। अच्छा, दुकानों पर मिल गया खाद? नहीं, दुकानों पर भी नहीं मिल गया। प्राइवेट में नहीं मिल गया? नहीं। कितनी ज़मीन है आपको? 10 बीघे। ये 10 बीघे में 2 कट्टे काम कर देंगे? कहाँ कर देंगे सर, बहुत पड़ा ही ना, एक बार डाला शुरू में, जब लगाने के बाद में इससे फसल खराब हो सकती है आपकी? और फसल खराब होने का चांस है पूरे पूरे। खाद नहीं मिलेगा तब? जी, खाद टाइम पे नहीं मिल रहा है, परेशान है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख पा रहे हैं किसान, क्योंकि मारामारी इतनी हो रही है कि किसानों को मिल ही नहीं पा रहा है खाद। ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पे हमने इंचार्ज साहब से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि हम तो लगातार बंटवा रहे हैं, अभी हमें पता लगा है कि करणपुर का जो है सोसाइटी वो बंद पड़ी है। हम वहाँ भी जाके पता करेंगे कि क्यों बंद पड़ी है, वहाँ के किसानों को भी यहीं पे आना पड़ रहा है, वो लोग परेशान हैं जी। यहाँ किसानों की ये समस्या है कि यहाँ सुबह से लगातार यहाँ खड़े हैं और तब भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा। ये बता रहे हैं कि इंचार्ज साहब की कल ही माल आया है और ये लोग आज सुबह से बंटवा रहे हैं। पता नहीं, हमने यही पूछा इनसे कि बंटवा रहे हैं तो भीड़ कम क्यों नहीं हो रही है लगातार, अगर आप बंटवा रहे हैं तो। और इसी वजह से जो है यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है ना, ये लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि मास्क के लिए कहें किसानों से कि मास्क पहन के आएँ और थोड़ा दूरी से खड़े हों, कोई मतलब नहीं इन्हें, सिर्फ और सिर्फ अपना। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ सहयोग है? यहाँ पर पुलिस प्रशासन हमें तो दिखाई दे नहीं रहा, बाकी जो भी इंतज़ाम वो इंचार्ज साहब बता पाएंगे कि इन्होंने कुछ मदद मांगी या नहीं मांगी। ठीक।